अब चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक सिर्फ डिजिटल प्रचार कर सकते हैं या फिर डोर टू डोर कैंपेन। अब इस आदेश पर विवाद भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने, अकाली दल ने और कांग्रेस ने इस पर एतराज किया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को बकायदा चिट्ठी लिखकर इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। भारत माता की। पांच राज्यों में चुनाव है, सबकी अपनी राजनीति है, सबके अपने दांव हैं, अपनी अपनी चालें हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जब से रैलियों और रोड शो पर बैन लगाया है, कुछ नेताओं की चाल और बोली दोनों बदल गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को बकायदा चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस फैसले पर दोबारा विचार कीजिए। कांग्रेस, बीएसपी, अकाली दल, ये सब अलग रूट कर बैठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल की लड़ाई में बीजेपी के पास फॉलोअर्स की फौज करोड़ों में है। राज्य चाहे जो हो, विपक्ष की हर पार्टी के नेताओं का डर से गला सूख रहा है। I am just saying they should look at every aspect of it. They should set some norms. कि if you say कि सारा कुछ ही वर्चुअल होगा, वो तो impossible है। 15 तारीख तक they let them take assessment, but they should come out with some rather than saying blanket. They should come out with some. Maybe they should have discussion with a call an all party meeting, where all the stakeholders should be called and view should be taken and come out with a consensus. देश में इस वक्त 83 करोड़ लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है। भारत में यूट्यूब चलाने वाले यूजर्स की संख्या करीब 46 करोड़ है और 42 करोड़ यूजर्स फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम के करीब 21 करोड़ यूजर्स हैं और जिस ट्विटर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उसके भारत में करीब 2.25 करोड़ यूजर्स हैं। और सबसे खास बात ये कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सबसे ज्यादा मजबूत है। चुनाव आयोग ने तो रैली और रोड शो पर बैन कोरोना को देखते हुए लगाया है, लेकिन विपक्ष को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। रैली और रोड शो पर बैन फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए है, लेकिन जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बैन बढ़ भी सकता है। अब अगर बैन बढ़ गया तो सबको डर है कि बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या के मामले में नरेंद्र मोदी दुनिया में नंबर 1 पर है। करीब 7.5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ मोदी दुनिया के मोस्ट फॉलोड एक्टिव लीडर है। और अगर यूपी के नेताओं की बात करें तो यहां 1.68 करोड़ फॉलोअर के साथ योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर है। अखिलेश यादव की 1.53 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जबकि प्रियंका गांधी, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी बहुत पीछे हैं। मतलब सारा गणित फॉलोअर्स का है और फॉलोअर्स नहीं होने की वजह से सबके दिल में एक ही डर है। कांग्रेस तो अभी से बोल रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम हो गई है। जो आने वाले चुनाव है, चुनाव आयोग एक रेफरी, एक अंपायर का रोल अदा करे, किसी भी टीम का साइड ना ले, एक निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो वायदा है उसको पूरा करें। दूसरा, चुनाव आयोग की अहम जिम्मेदारी है किसी भी राजनीतिक दल की शक शंका अगर किसी भी कार्य को लेके है, किसी भी नियम को लेके है, किसी भी जो हो रहा है किसी भी राज्य में, उसको दूर करें। आज कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जो दिखाया है, कई बार चुनाव आयोग जो भाजपा है उनका 12वां खिलाड़ी खेलने का काम करती है। तो मुझे लगता है एक संवैधानिक पोस्ट होने के चलते चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है हर राजनीतिक दल को एक प्लेइंग फील्ड दी जाए। यही हाल फेसबुक फॉलोअर का भी है। प्रधानमंत्री मोदी के 4.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि यूपी के नेताओं में 73 लाख फॉलोअर्स के साथ अखिलेश यादव पहले नंबर पर है। योगी आदित्यनाथ के 66 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि मायावती का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट नहीं है। फेसबुक चुनाव प्रचार को आसान इसलिए भी बना सकता है क्योंकि यहां लिखने की आजादी है, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, आसानी से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक लाइव कर सकते हैं। लेकिन डर तो डर है। अखिलेश फेसबुक पर योगी से आगे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी से बहुत पीछे है और यही डर अखिलेश को बेचैन कर रहा है। बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा नहीं मिलते हैं, अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में, हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से एड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कल ऑब्लाइज किया गया है चैनल,
आज भी ऑब्लाइज होंगे, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपना स्पेस के लिए। पिछले कुछ साल में जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं वो है यूट्यूब। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के मामले में भी बीजेपी सबसे आगे है, उसके करीब 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। कांग्रेस और AIMIM यूट्यूब पर समाजवादी पार्टी से आगे है। चुनाव आयोग के फैसले और कोरोना संकट को देखते हुए सारी पार्टियों ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है, जबकि बीजेपी की टीम पहले से तैयार है। बीजेपी जानती है कि सोशल मीडिया में कौन सा कंटेंट कब वायरल करना है, फील्ड में जाकर क्या दिखाना है, किन लोगों से बात करनी है, कैसे माहौल बनाना है। इसलिए जब कोई डिजिटल प्रचार पर सवाल उठाता है तो उस सवाल को बीजेपी विपक्ष के हार से जोड़ देती है। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि 10 मार्च को वो हारने वाले हैं और इसीलिए वो बहाने रोज ढूंढ रहे हैं। कल उन्होंने एक बहाना ढूंढा कि इलेक्शन कमीशन को कोसा कि डिजिटल चुनाव जो है वो बैलेंस चुनाव नहीं होगा और हम सबको भी डिजिटल प्रचार के लिए पैसा देना चाहिए। अब आज उन्होंने फिर चुनाव आयोग को लिखा है कि जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उनको हटाया जाए, तो रोज वो बहाने ढूंढ रहे, जिससे 10 मार्च को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये कहेंगे कि देखिए मैंने बताया था ये चुनाव आयोग कर लेता तो हम लोग हारते नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।